नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी के गढ़ में राहुल गांधी की हुंकार की, किसानों के आगे झुकती दिख रही केंद्र सरकार की, बात करेंगे बीजेपी पर कांग्रेस अध्यक्ष के करारे वार की, शरद पवार की चुनाव आयोग पर निशाने की, जानेंगे केजरीवाल सरकार को क्यों पड़ी विश्वास मत लाने की जरूरत, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार में भारत के लोकतंत्र पर आए संकट की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इसरो का सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट INS-AT-3DS सफलतापूर्वक लॉन्च, मौसम से जुड़ी आपदाओं को लेकर पहले ही करेगा अलर्ट। आप नेता मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश, 28 फरवरी तक बड़ी न्यायिक हिरासत, शराब नीति मामले में हुए थे गिरफ्तार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 की हुई घोषणा, गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य होंगे सम्मानित। राजकोट टेस्ट पर भारत ने बनाई मजबूत पकड़, तीसरे दिन के खेल के बाद भारत ने दूसरे पारी में 2 विकेट पर बनाए 196 रन, यशस्वी जायसवाल ने बनाया शतक। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को वाराणसी पहुंची। राहुल गांधी ने इस दौरान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और इसके बाद मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 35वें दिन वाराणसी पहुंची। गोलगड्डा चौक से प्रवेश करते हुए गदौलिया पहुंचकर कांग्रेस नेता ने विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किए और गदौलिया चौक पर जनसभा की। जनसभा में राहुल गांधी ने देश में दो भारत होने की बात कही, एक अरबपति वाला एक गरीब वाला, और मीडिया को कहा कि ये सारे चैनल अडानी जी अंबानी जी के हैं, ये किसान मजदूर गरीबों के बारे में कभी नहीं दिखाएंगे। हिंदुस्तान की मीडिया मोदी जी को 24 घंटे दिखाएगी, लेकिन असल मुद्दे को नहीं दिखाना चाहते हैं। नोटबंदी और GST की कमी को कोई नहीं दिखाएगा। यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता शामिल रहे। अजय राय ने विश्वनाथ मंदिर प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता, सांसद, विधायक की तस्वीरें जारी कर देता है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें नहीं जारी कर रहा है। वहीं राहुल गांधी के बढ़ते काफिले से घबराए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक नारों के साथ श्री राम का पोस्टर लेकर यात्रा में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशों के बावजूद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी से मिलने जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसी बीच यूपी में यात्रा छोटी होने के खबरों का खंडन करते हुए जयराम रमेश ने बताया कि 18 से 21 फरवरी तक यात्रा यूपी में रहेगी और फिर 22 और 23 फरवरी विश्राम के बाद 24 फरवरी को वापस यूपी लौटकर पश्चिमी यूपी जाएगी। भदोही की तरफ बढ़ती हुई यात्रा से राहुल गांधी के अचानक चले जाने की खबर को लेकर जयराम रमेश ने बताया कि वायनाड में राहुल गांधी की उपस्थिति की तत्काल आवश्यकता है। दरअसल राहुल गांधी अचानक ही वायनाड रवाना हो गए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल 18 फरवरी को दोपहर 3 बजे प्रयागराज में फिर से शुरू होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता से बीजेपी पहले से ही डरी हुई दिखाई दे रही थी और अब किसानों के आंदोलन ने उसे और भी डरा दिया है। MSP की मांग को लेकर किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान से मोदी सरकार बैकफुट पर है और अब किसानों की मांगों के आगे झुकने के संकेत भी दे रही है। किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है। पंजाब के किसान दिल्ली जाने की जिद को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि बिना मांगों को मनवाए वो वापस नहीं जाएंगे। इसी बीच पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन भी आंदोलन में शामिल हो गया है। यूनियन ने शनिवार से 2 दिन के लिए पंजाब में सभी टोल फ्री करा दिए हैं। पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़, पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह और बरनाला में BJP नेता केवल ढिल्लों के घर के बाहर किसानों ने तंबू गाड़ कर धरना शुरू कर दिया है। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की तरफ से तहसीलों में ट्रैक्टर मार्च निकाले जा रहे हैं। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह बंधेर ने भी कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर फसलों के लिए MSP की गारंटी दे सकती है, बाद में संसद में बिल लाकर इसे कानून की शक्ल दे सकते हैं। ऐसा पहले कई मामलों में किया भी जा चुका है। उधर किसान संगठनों की मांगों पर 18 फरवरी को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की वार्ता होगी। इससे पहले हुई 3 वार्ता बेनतीजा रही। इसी बीच किसानों के समर्थन में खाप पंचायतें भी आ गई हैं। हरियाणा के जींद में खाप पंचायतों ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली से नाराजगी जताई है। खापों की तरफ से किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया है। सरकार से कहा गया है कि सरकार पंजाब को गजा व यूक्रेन न बनाए।
पुलिस की तरफ से विभिन्न स्थानों पर की गई बैरिकेडिंग हटाने की भी मांग की गई है। वहीं कृषि अर्थशास्त्री पद्मभूषण पुरस्कार विजेता और विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार सरदारा सिंह जोहल ने भी कहा कि सरकार को किसानों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सरकार को केवल उन्हीं फसलों के लिए MSP की घोषणा करनी चाहिए जिन्हें वो खरीदने का इरादा रखती है और जिन्हें वो आगे बेच या वितरित कर सकती है, जैसा कि गेहूं और धान के मामले में है। किसानों का गुस्सा अगर लोकसभा चुनाव में सामने आया तो BJP के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। किसान MSP को लेकर सवाल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी PM मोदी से सवाल कर दिया है कि आपकी भूख कितनी है, तो आखिर क्यों खड़गे को करना पड़ा ये सवाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के तमाम नेता BJP में शामिल हो रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि BJP दूसरे दलों के नेताओं को डरा धमका कर अपने पाले में जोड़ रही है। भाजपा जिस तरह से विपक्षी नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है, उसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे PM मोदी पर ही सवाल उठा दिए। PM से हुई मुलाकात में खड़गे ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को डरा कर भाजपा ज्वाइन कराया जा रहा है। खड़गे ने कहा, संसद में चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने PM से पूछा था कि भाजपा और कितने लोगों को गलत तरीके से जोड़ने वाली है। कई मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से जुड़ रहे हैं। मैंने PM से पूछा कि भाजपा की खुराक कितनी है। जवाब में PM ने कहा कि अगर लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। खड़गे ने कहा कि PM के जवाब में मैंने उन्हें बताया कि भाजपा के लोग नेताओं मंत्रियों को डरा धमका कर उन्हें पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। खड़गे ने कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के BJP ज्वाइन करने को लेकर कहा कि पाला बदलना कायरता की निशानी है। उन्होंने कहा कि पार्टी वर्कर्स और वोटर्स ने कुछ लोगों को बड़ा नेता बनाया, लेकिन बड़ा नेता बनकर वे भाग गए, ये और कुछ नहीं बल्कि कायरता से भरा कदम है। खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें डरना नहीं है, अगर हम डर गए तो हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो हम जिएंगे और एक दिन जीत हमारी होगी। वहीं आपको बता दे, अशोक चौहान के भाजपा ज्वाइन करने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि ये एक विशेष वॉशिंग मशीन का असर है। कुछ लोगों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनके जाने से कांग्रेस टूट जाएगी। जो जाते हैं उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, उनकी योग्यता से ऊपर दिया है। हजारों युवा दरवाजे खटखटा रहे हैं और इन नेताओं के कारण उन्हें मौका नहीं मिल पाया। दूसरे दलों में तोड़फोड़ खरीद फरोख्त का सवाल PM नहीं दे पाए तो दूसरी तरफ NCP के संस्थापक शरद पवार के सवालों का जवाब भी चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। शरद पवार ने कहा है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जिस व्यक्ति ने पार्टी बनाई उसे ही उसके दल से निकालकर बाहर कर दिया गया हो। महाराष्ट्र की सियासत में अभी तूफान मचा हुआ है। एक तरफ असली शिवसेना की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो दूसरी तरफ असली NCP की भी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बीते कुछ दिन पहले चुनाव आयोग और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने NCP को लेकर बड़ा फैसला दिया था, जिसके बाद से शरद पवार चुनाव आयोग और अजीत पवार पर हमलावर है। इसी कड़ी में एक बार फिर शरद पवार ने अजीत पवार पर हमला किया है। दरअसल शरद पवार 17 फरवरी को महाराष्ट्र के बारामती पहुंचे। बारामती में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार का पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह खोने का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि जिसने पार्टी बनाई उसे ही पार्टी से निकाल दिया गया, ये फैसला कानून के अनुसार सही नहीं है और हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। पवार ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने राजनीतिक पार्टी बनाई उसे ही पार्टी से बाहर कर दिया गया, साथ ही चुनाव चिन्ह भी छीन लिया गया, ये फैसला कानून के अनुसार सही नहीं है। हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की जरूरत है। आपको बता दें कि शरद पवार का बारामती का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब ऐसी चर्चाएं हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार भी अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। बारामती सीट परंपरागत रूप से शरद पवार की राजनीति का गढ़ रही है और पहले शरद पवार और फिर उनकी बेटी सुप्रिया सुले बारामती से सांसद है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की याचिका को सूचीबद्ध भी कर लिया है, जिससे ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई बहुत जल्द कर सकता है। पवार ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के निशाने पर मोदी सरकार और BJP रही। दरअसल केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत लेकर आए और इसी दौरान उन्होंने BJP पर तमाम आरोप भी लगा दिए। तो क्या कहा केजरीवाल ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सदन में इस दौरान आपके 62 में से 54 विधायक उपस्थित थे। केजरीवाल ने विधानसभा में कहा, हमारा कोई विधायक नहीं टूटा है, जो नहीं आए उनमें कुछ अस्वस्थ हैं और कुछ बाहर हैं। CM ने कहा, इस विश्वास मत की जरूरत इसलिए थी क्योंकि भाजपा आप विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। भाजपा दावा करती है कि वो राम भक्त है, लेकिन उन्होंने हमारे अस्पतालों में गरीब लोगों को मिलने वाली दवाई रोक दी। सर्विस डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेसी पर अपनी पकड़ के चलते भाजपा हमारा काम रोक रही है और फिर भी हम सरकार चला रहे हैं।
केजरीवाल ने कहा, हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारा सारा काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, हमारे ऊपर चारों तरफ से हमले ही किए जा रहे हैं। अब हर जगह एक सवाल चलने लगा है कि क्या मोदी जी अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाह रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी बना है। बीजेपी को केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। सीएम केजरीवाल बोले, अगर कोई नेता बिना किसी दबाव में आकर भी बीजेपी में ना जाए और उसे जेल भेज दिया जाए तो वो नेता कट्टर ईमानदार है। बीजेपी ने हर जगह रेड मार ली, एक चवन्नी नहीं मिली। हमारी संपत्ति लोगों के दिलों में है, बैंक अकाउंट में नहीं। आपको बता दें कि आज सीएम केजरीवाल वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सत्र के कारण वे आज कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके। अगली सुनवाई 16 मार्च को है, उस दिन वे कोर्ट में पेश होंगे। केजरीवाल के दावे से बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। वैसे बीजेपी परेशान तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी है। कोर्ट ने चुनाव बॉन्ड पर रोक लगाने के साथ ही बैंक से बॉन्ड खरीदने और किस राजनीतिक दलों को इसका चंदा मिला ये बताने को कहा था। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मोदी सरकार मानेगी? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक SBI को 2018 से जारी होने वाले चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा अध्यादेश लाने पर संशय जताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र समाप्त हो चुका है और लोकसभा चुनाव निकट है, इसलिए अब ये अध्यादेश संसद की अगली कार्रवाई यानी लोकसभा चुनाव के बाद ही पारित हो पाएगा। तो वहीं बैंकिंग से जुड़े नियमों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैंकिंग प्रणाली से जुड़े नियम इन बॉन्ड के खरीदारों का नाम उजागर करने में बाधा बन सकते हैं। न्यायालय के फैसले को लागू करने से सरकार द्वारा बॉन्ड धारकों के नाम गोपनीय रखे जाने का वादा टूट सकता है और सरकार तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहज दिख रही है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बैंकिंग के नियम का हवाला देकर मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम धारकों के नाम को गोपनीय रखने की साजिश रच सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर मोदी सरकार कामयाब हुई तो राजनीतिक दलों के चंदे में फिर से काले धन की वापसी होगी। पहले से ही मोदी अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाया जा रहा है और अब एक बार फिर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से काले धन को सफेद करने वाले उद्योगपतियों के नाम उजागर नहीं करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो क्या एक बार फिर कामयाब हो जाएगी मोदी सरकार या काले धन पे लग पाएगी रोक, ये देखने वाली बात होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात लोकतंत्र पर आए बड़े संकट की। भारत के लोकतंत्र को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष के नेता पीएम मोदी पर तानाशाही के आरोप लगाते आए हैं और अब ये चर्चा देश विदेश में होने लगी है। ब्रिटेन में जारी की गई एक हालिया रिपोर्ट में लोकतंत्र को लेकर देशों की रैंकिंग जारी की गई है और ये रिपोर्ट साफ शब्दों में भारत के गिरते लोकतंत्र पर सवाल उठा रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। भारत में लोकतंत्र पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष मोदी सरकार की तानाशाही पर लगातार हमलावर है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की तानाशाही में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईडी CBI जैसे केंद्रीय एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसान से लेकर विपक्ष के नेता तक प्रदर्शन पर उतर आए हैं। देश के ओलंपिक पदक विजेताओं को भी न्याय नहीं मिला। यहाँ तक कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार में लोकतंत्र के कुचले जाने पर नाराजगी जताई है। ऐसे और भी अनेक मुद्दों पर देश में लोकतंत्र की गिरती स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है। अब ये चर्चा विदेश में भी शुरू हो गई है। दरअसल हाल ही में ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने 176 देशों में लोकतंत्र की रैंकिंग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। दरअसल इनमें 176 देशों को चार कैटेगरी में बांटा गया है, अथॉरिटेरियन रिजीम यानी जहां तक सिस्टम तानाशाही के रोल में होता है, और हाइब्रिड रेजिम यानी वो देश जहां पूरी तरह से ना तो लोकतंत्र और ना ही तानाशाही। रिपोर्ट ने पाकिस्तान को तानाशाह घोषित कर दिया है। तो वहीं इस लिस्ट में भारत की भी स्थिति पहले से खराब नजर आई है। भारत को 7.18 स्कोर के साथ 41वीं रैंकिंग मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुछ खामियों के साथ लोकतंत्र मौजूद है। एक तरफ भारत खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताता है तो दूसरी तरफ देश में लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। सत्ता का दुरुपयोग करने का, लोकतंत्र को दबाने के आरोपों से मोदी सरकार घिरती जा रही है और इस रिपोर्ट ने इन आरोपों को और ताकत दे दी है। लोकसभा चुनाव से पहले जारी इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार को गहरे संकट में डाल दिया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए DB Live। नमस्कार।